सई को मिलने वाली है बहुत बड़ी धमकी, तो वहीं विराट देने वाला है उसका पूरा साथ। लेकिन क्या इन सब के पीछे है पाखी का हाथ? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से सई के साथ ही बहुत सारी चीजें होने वाली है। एक तो ये कि पाखी ये नहीं चाहती कि सई जो है जवान परिवार के आसपास भी रहे। दूसरी ये कि सई के पीछे पवार के गुंडे जो हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं। अब ये सारी चीजें सई से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं, तो फैंस अब ये भी कयास लगाने लगे हैं कि कहीं पाखी ने पवारों के साथ हाथ तो नहीं मिला दिया है, क्योंकि वो ये भी जान चुकी है कि भवानी काकू जो है वो तो सई रात को एक करना चाहती है, और ऐसे में भवानी सई को घर से दूर तो नहीं जाने देगी। तो क्या सच में पाखी जो है पवारों के साथ मिलकर अब सई को घर से निकालने का प्लान बना रही है? तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि विराट तो फुल सई का सपोर्ट करने में लगा है। पहले तो आप ये देखेंगे कि विराट ऑलरेडी सई को बहुत सारी चीजें समझाता है। वो कहता है कि देखो ये पवार के गुंडे हैं और इनसे दूर रहो, तुम जिस वर्षा का साथ दे रही हो उसका पति जो है पवार का ही आदमी है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम्हें याद होगा कि करिश्मा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो आदमी जो था और किसी का नहीं बल्कि पवार का ही था। उस टाइम तो मैंने अपने परिवार को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन मैं हर टाइम नहीं बचा पाऊंगा। और तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि भवानी काकू से पवारों की बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये सारी चीजें सही सुन तो लेती है, लेकिन सही जो है वो विराट से कहती है देखो मैं एक औरत हूँ और एक औरत का हमेशा सपोर्ट करूंगी। अब सही वहाँ से चली जाती है और ऑटो में बैठी होती है, जहाँ पर उससे सभी का कॉल आता है और सभी उसको घर आने के लिए कहती है और कहती है आपको मेरे साथ गेम खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि भवानी ऑलरेडी सभी को बहुत सारी चीजें समझा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे सई के ऑटो के पीछे जो है कोई पड़ा होता है, वो गाड़ी लेके बार बार सई के ऑटो को टक्कर मारता है। हालांकि सई के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। अब सई को समझ में आ जाता है कि ये पवार के ही गुंडे हैं। साथ ही सई के फोन पर एक बहुत तगड़ा मैसेज आता है कि इस केस को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत चीजें गलत हो सकती है। अब सई जो है बेचारी ये चीजें सोच रही है कि विराट ने अभी कुछ देर पहले ही मुझसे कहा था कि ये पवार के गुंडे हैं, तो सई समझ तो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि सई जो है किसी की नहीं सुनती है और ना ही किसी से डरती है। वो तभी के तभी वर्षा को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम अपने घर का एड्रेस दो। वर्षा जो है वो घबरा जाती है, घर का एड्रेस दे देती है और सई जो है उसके घर पे पहुंच जाती है। अब सई जहाँ उसके घर पे पहुंच जाती है तो वर्षा से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, उससे बाहर बुलाओ, मुझे उससे ही बात करनी है। हालांकि वर्षा जो है वो बार बार यही कहती है नहीं मेरा पति मेरे घर पे नहीं है। अब सई जो है वो कहती है मुझे पता है तुमने उसे अंदर छुपा के रखा है, प्लीज उसे बाहर निकालो। इतने में वर्षा का पति जो है वो बाहर आ जाता है और कहता है अरे कौन आया है मैं भी तो देखूं। वर्षा के पति का हुलिया आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा गुंडा लग रहा है। अब सई पे कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है और सई किस तरह से पंगा लेगी, साथ ही विराट उसको कैसे बचाएगा और इन सब में पाखी का हाथ है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।